क्या बोल रहे हो? द विशाल ऑफिशियल है, द विशाल ऑफिशियल। हाँ बच्चा लोग ऐसे बोल रहा, गोल्डन प्ले बटन है। रिएक्शन देख रहे हो ना भाई, छोटा बच्चा लोगों का। अचानक से यार इतना गंदा गाइस, मेरा कान दर्द। अरे अरे अरे, ठोका ठोका ठोका। सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। एंड कैसे हो सब आप गाइस? सब बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना पूरा फुल पावर गाइस। एंड देख रहे इस ब्लॉग की गाइस, फिलहाल शुरुआत कर रहा हूं बहुत दिनों बाद अपना BIT कैंपस से गाइस। एंड मैं कुछ काम से आया हुआ था, तो मैं सोचा यार चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते गाइस, उसके बाद ही चला जाएगा। एंड आप लोग गाइस अपनी स्टेला को दिखलाता हूं एक बार, खड़ी है पूरा मस्त में गाइस। चेक दिस आउट, ये रही गाइस अपनी स्टेला। कुछ दिन पहले गाइस पता है धागा दिख रहा था कहीं से, अभी उतना पता नहीं चल रहा होगा। कुछ दिन बाद गाइस मैं चेंज करवा लूंगा अपनी स्टेला का टायर। एंड गाइस चलो आप लोग से मिलते हैं डायरेक्ट गोप्रो पे पूरा फुल पावर। तो चलो गाइस फाइनली मैं तो अभी आ गया हूँ अपना मोटो ब्लॉग पे। एंड फिलहाल तो गाइस मैं अपना BIT चौक पहुँचने वाला हूँ। एंड मेरे को जाना है गाइस कचहरी। आप लोग तो पिछला वाला ब्लॉग भी गाइस देखे होंगे, मैं कचहरी गया था। बट आप लोगों को मैं बताया भी था कि और एक दिन मेरे को आना पड़ेगा, तो कुछ कुछ यार पेपर ले करके नहीं गया था गाइस, तो वही मेरे को सबमिट करना है, सिर्फ जा करके आना है, सिर्फ सबमिट करके। देख रहे हो गाइस बाजार के कारण यार पूरा जाम लग रहा है रोड। BIT बाजार है उसके कारण यार देख रहे हो पूरा जाम लगा हुआ। आई थिंक यार आगे से तो खाली मिलना चाहिए रोड। एंड गाइस मेरे साथ तो अभी कोई नहीं है, मैं अकेले जा रहा हूँ आज, ना ही कोई आज जाएगा मेरे साथ, मैं सिंगल हूँ। सिर्फ काम करवाना है तो जल्दी से मेरे को वापस आना है। एंड यार मेरे को तो अपनी मम्मी का भी फ़ोन बनवाना था, बट देखो अगर टाइम मिल पाएगा तो मैं बनवा कर भी लेकर के आ जाऊँगा गाइस। फ़ोन तो लेकर के जा ही रहा हूँ, बस थोड़ा सा काम करवाना है मम्मी का फ़ोन में। जाम अगर नहीं मिलेगा ना गाइस मैं 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा अगर जाम नहीं मिलेगा तो। और अगर जाम मिलेगा तो फिर आप लोग तो समझ ही रहे हो, धीरे धीरे चलना पड़ता है भाई, तो लेट तो होगा। ऐसे ही यार खाली मिलेगा रोड तब ना। देखो अभी तो गाइस खाली मिल रहा है ना रोड, अभी देखो रास्ता में यार चलते चलते कभी यार जाम मिल जाएगा ना, कुछ पता नहीं है। एंड देखो प्रॉपर राइडिंग गियर्स में जा रहा हूँ गाइस, वो भी आज पूरा समझ रहा हूँ चौक होकर के जा रहा हूँ। देखो मामू भी पकड़ सकती है मेरे को, क्योंकि यार आप लोगों को तो पता ही होगा ना राइडिंग गियर्स में जहाँ देखता है ना मामू लोग तुरंत से यार रोको रोको साइड करो करने लगेगा। बट गाइस मैं तो साइड करने वाला हूँ नहीं। अगर गाइस आप लोग देवड़ी मंदिर वाला ब्लॉग देखे होगा ना आप लोग, तो आप लोगों को पता होगा अपना जो रोशन भाई है उसको तो पकड़ लिया था मामू, वो भी राइडिंग गियर्स में था, मैं भी राइडिंग गियर्स में था, मेरे को भी भाई आकर के रोक रहा था पता है। बट मैं रुका था उसका, फिर जैसे अपना रोशन भाई के पास गया और मैं निकल गया भाई वहाँ से, एक गियर डाला अपना बाइक और निकल पड़ा डायरेक्ट मामू के पास। यार रुकना मतलब समझ रहो पैसा देना, बेटर है यार रुको ही मत, एक तो साइड से निकल जाओ। ट्रैफिक मामू बैठा हुआ, अरे मामू तो यहाँ पे खड़ा है देख रहा है मेरे को, कैसे हो पाएगा। ऑटो देख रहे हो गाइस लाइन बाय लाइन, देखो इधर उधर इधर उधर सिर्फ ऑटो, कहीं का तो यार रोड खाली मिलो, कहीं नहीं मिल रहा रोड खाली। ओ माय गॉड, अब ये कौन सा स्कूल छुट्टी हो गई भाई। अरे चचा क्या कर रहे हो यार, रिएक्शंस बहुत भयंकर वाला जाम लगा हुआ गाइस। स्कूल भी छुट्टी हो गया यहाँ का तो और जाम। चलो यार, अरे भाई फो, अरे 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 भाई देखो यही होता है रोड पर, ये देख रहे हो ना आप, यही चीज़ होता है। रिएक्शंस देख रहे हो खतरनाक, अरे भाई जाने दो यार कोई भी। ए, बात कर रहा यार तो चलने नहीं दिख रहा इन लोगों को। ओह रिएक्शंस देखो भाई बच्चा लोग का, भाई यहाँ पे तो सिग्नल लगा हुआ गाइस तो मैं यहाँ रुक गया हूँ। ओह भाई कोई
वो छोटा बच्चा लोग यार मेरे को बुला रहा था, बस मैं बैठा हुआ। ओ भाई, अरे चचा रुक जाओ यार, क्या बोल रहे हो? द विशाल ऑफिशियल है, द विशाल ऑफिशियल। हाँ हाँ सही जान रहे हो, क्या बोल रहे हो? एकदम मस्त रिएक्शन देख रहे हो ना भाई, छोटा बच्चा लोगों का। सिग्नल कब खुलेगा यार? सिग्नल खुल जा यार जल्दी से। हम BIT सुने हो? BIT सुने हो? उधर ही से अभी इधर जा रहे, थोड़ा मेन रोड के साइड। नहीं कुछ काम से जा रहे हैं क्या? हाँ कैमरा ऑन है। ओ आज खुलेगा भाई सिग्नल, क्या बोल रहे हो? नहीं सुनाई दे रहा? नहीं नहीं वो नहीं है बच्चा लोग गाइस बोल रहा गोल्डन प्ले बटन है वो भाई 10 मिलियन में मिलता है। चलो गाइस सिग्नल खुल गया, निकलते हैं अब। बच्चा लोग का रिएक्शन देखे थे ना गाइस आप लोग, पूरा खतरनाक। अब निकलते हैं यार, ये दीदी लोग बता गाइस देख करके हंस रही थी, ये जो 3 दीदी जा रही है ना ये लोग, जब मैं हाई कर रहा था उन लोगों को बोले यार मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोड़ो यार मेरे को थोड़ी कोई फ़र्क पड़ता इन लोगों से। फ्यूल अप करवाना था यार, मैं भूल गया, फ्यूल अप करवा लेता हूँ पहले। अरे अरे इधर भी बुलाते उधर भी बुलाते, किधर जाए? नॉर्मल पेट्रोल है ना, ठीक है लीजिए। चलो गाइस फिलहाल तो अपना फ्यूल अप हो गया था, अब निकलते हैं यहाँ से। मामू देखो गाइस उधर साइड पे खड़ा है, बट मेरे को इधर साइड पे काम है गाइस। अरे बढ़ाओ यार, अब यहाँ यार बाइक पार्क करने का जगह नहीं मिलेगा गाइस, ढूंढना पड़ेगा मेरे को अच्छे से। चलो चलो यार जल्दी, ये कैसा चलाता है इन लोग को समझ नहीं आता, कहाँ पे बाइक पार्क करे खाली यार, कहीं तो मिलो। चलो गाइस फिलहाल तो मैं अपना बाइक पार्क कर दिया हूँ, तो चलो अंदर चलते हैं अब, और जल्दी से अपना काम करवाते हैं। थोड़ा सा यार कैफे में भी काम है, जल्दी से करवा लेते हैं। ओ भाई रुक जाओ। सो गाइस फिलहाल तो देखो मैं अभी हाई टेंशन ग्राउंड के पास, ठीक है, एंड मैं तो कचहरी गया था आप लोग देखे थे गाइस, बट यार वहाँ काम पता नहीं यार मेरा हुआ या नहीं हुआ, वो कन्फर्म नहीं है। एंड अभी तो गाइस मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा 89 के साइड, अपना मोटा भाई है ना गाइस उसको लेने के लिए। ओ भाई उधर ही साइड में यार बंदा क्या कर रहा है पता नहीं। मैं गाइस कॉल किया था अपना मोटा भाई को, तो वो बोला कि 89 ग्राउंड में है तो आ जाओ तुम, गाड़ी नहीं है उसके पास गाइस, तो मैं अभी जा रहा हूँ उसको लेने के लिए। ब्रिज में यार ये लोग हैंकर टपकते हैं, सनसेट का टाइम है गाइस, थोड़ी देर पर सनसेट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी तो गाइस थोड़ा ज़्यादा ही ठंडा लग रहा है पता है, राइडिंग गियर्स में फिर भी मैं सोचा था यार ठंडा नहीं लगता इसमें, बट यार इसमें भी हवा घुसता है गाइस। अगर अंदर से और कुछ पहने हुए रहोगे आप गर्म कपड़ा तो ठंडा नहीं लगेगा, और टी शर्ट के ऊपर डायरेक्ट राइडिंग गियर्स पहनोगे तो समझ जाओ यार ठंडा लगने वाला है आपको। ओ भाई टायर स्केट गया था मेरा, मजा आ गया। चलो ये देख रहे हो ना गाइस लाल किला, भाई साहब पीछे चलो गाड़ी तो नहीं आ रही है। सो गाइस फिलहाल देखो हम लोग तो अभी 89 से निकल गए, एंड अभी अपना मोटा भाई गाइस राइड कर रहा है। भाई मेरे को भाई बहुत भयंकर ठंडा लग रहा है पता नहीं क्यों, एंड यार मैं अभी हेलमेट खोल करके आ रहा था ठीक है पीछे बैठ करके,
अचानक से यार इतना गंदा गाइस, मेरा कान दर्द। अरे अरे अरे, ठोका 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 ठोका, किसको ठोका? अरे भयंकर सीन, बच गया बच गया, ठोका ठोकी हो रहा है यार रोड में भाई। तो गाइस मैं आप लोगों को तो बता रहा था मेरा कान दर्द कर रहा है, बता अचानक से यार पता नहीं कैसे गाइस, मैं हेलमेट नहीं पहना था ठीक है, एंड यार ठंडा में इतना भयंकर बढ़ा दिया गाइस, मैं तो देख रहा हूँ चेन वैन सब बंद कर दिया यार अपना राइडिंग गियर्स का। ओ यार फिर भी पूरा भयंकर ठंडा लग रहा है। अरे तुम फिर से मिल गया, हेलो भाई, इधर ही रहता है? ओह ये गली में, ओह कैसे पहचान लिया तुम देख के। चलो गाइस फाइनली अभी तो मेरे को अपना घर निकलने का टाइम हो गया है, एंड अभी का टाइम देखो भाई 7:40 हो रही है। ओ भाई ये GoPro ग्लिच फिर से हो रही है गाइस, पता नहीं यार क्यों दिमाग ख़राब हो रहा है। अभी 50% बैटरी है। अब गाइस लग रहा है मेरे को यार अपना GoPro का बैटरी चेंज करवाना पड़ेगा, ऐसा काम नहीं होने वाला भाई। पूरा ब्लॉग गाइस अपना कंटिन्यू बन ही नहीं पा रहा, समझ नहीं आ रहा यार क्या करो गाइस, बार बार यार GoPro ऑफ हो जा रहा है गाइस मेरे को बार बार। गाइस ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रही है यार, अगर आप लोगों को इस पता होगा GoPro के बारे में कुछ यार ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है। 40% बैटरी अभी भी और बार बार यार ऑफ हो जा रहा है। आप लोग गाइस बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर, एक तो यार इंस्टा में DM कर देना गाइस। भाई साहब बार बार ऑफ हो जा रहा है यार अपना GoPro, पूरा दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा तो।